हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण में क्या होता है बच्चों? देखो, हरी भरी क्यारी में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों पर सुंदर तितलियां मंडरा रही हैं। बूढ़ा माली क्यारी में पानी दे रहा है। बूढ़ी मालिन काम कर रही है। हरी भरी, रंग बिरंगी, सुंदर, बूढ़ा और बूढ़ी शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सभी विशेषण हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। देखो, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे काली गाय, गोरा आदमी, मोटी चिड़िया, उस काले पंख, इस प्रकार के शब्द किसमें आते हैं बच्चों? इस प्रकार के शब्द ये विशेषण की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, अब देखो विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। देखो बच्चों, ये चार भेद होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। क्या? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चों, अब ये देखो गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है बच्चों? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए तो वे क्या होते हैं? वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो बच्चों, गुणवाचक विशेषण की विशेषता यही है कि उसमें व्यक्ति के गुणों का, रूप रंग का क्या किया जाता है? रूप रंग का उजागर किया जाता है, यानी उसी से पता चलता है। जैसे हम अगर कहें हरा तोता, लाल टमाटर, बहादुर बालक, लंबी मीनार, ये क्या हैं? ये इनके गुणों को दर्शा रही हैं। जैसे तोता हरा है, वो उसका गुण है। टमाटर लाल है, वो उसका गुण है। बालक बहादुर है, वो उसका गुण है। और मीनार लंबी है, तो ये भी इसका गुण हुआ। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखो, जैसे दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए तो गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे रोगी, रोगी क्या है? उसका गुण है। रोगी बीमार है, सुगंधित और खुशबू और काला रंग, ये सब क्या हैं? ये इसके गुण होते हैं, है ना बच्चों? अब देखो, अब सार्वनामिक विशेषण। अब देखो बच्चों, परिणामवाचक विशेषण, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों, 3 किलो चीनी, थोड़ा दूध और 2 मीटर कपड़ा, ये क्या है? ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे 3 किलो चीनी, चीनी कितनी है? 3 किलो, और थोड़ा दूध, दूध थोड़ा है, यानी ये इसकी मात्रा को पूरा नहीं बता रहे हैं। और देखो बच्चों, इसके भी 2 उदाहरण होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या है बच्चों? जहाँ नाप तोल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा, ये क्या है? ये निश्चित, यानी हम खूब अच्छे से और पक्के इरादे के साथ कह सकते हैं कि ये चीज़ इतनी ही है, चीनी दाल 1 किलो है और कपड़ा 2 मीटर। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, देखो बच्चों, जहाँ नाप तोल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे, है ना, कुछ पैसे, थोड़ा दूध और ये कुछ मीटर कपड़ा, अगर हम ऐसे कहें तो ये क्या होगा? ये बच्चों सही नहीं है, यानी ये निश्चित नहीं है। इसमें ये नहीं बताया है कि कौन सी चीज़ कितनी है, जैसे थोड़ा दूध। अब थोड़े दूध में कितना होता है कि यदि हमारे पास 1 लीटर दूध है तो हम उसे आधा लीटर को भी थोड़ा कह सकते हैं और 1 पाव को भी थोड़ा कह सकते हैं, तो इसमें इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। ऐसे ही कुछ पैसे, उसमें 2 रुपये भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं, तो इसलिए बच्चों कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी इसकी मात्रा निश्चित नहीं है। और निश्चित परिमाणवाचक की मात्रा क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की विशेषता ये है कि उसमें जो भी बात कही जाती है वो निश्चित नाप तोल के हिसाब से ही की जाती है, जैसे 1 किलो दाल और 2 मीटर कपड़ा, यानी वो उतना है, इसलिए ये बात कही गई है। अब बच्चों संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में उसकी संख्या निश्चित कर जाती है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में उसकी संख्या निश्चित नहीं की जाती। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि उसमें, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या कहा जाएगा? 4 दिन, 4 किलो आम, और अनिश्चित में क्या कहा जाएगा? कुछ दिन और थोड़ा दूध, इस प्रकार की बातें कही जाएंगी, यानी इसमें मात्रा निश्चित नहीं है और उसमें संख्या निश्चित है। अब देखो बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या निश्चित हो, जैसे 3 कमल 4 किताब, ऐसे ही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ संख्या अनिश्चित हो, जैसे 100 छात्र 1 बालक, क्या है? यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है, और ऊपर वाले में क्या है कि संख्या निश्चित है, जैसे 3 कमल और 4 किताब, वो क्या है बच्चों? वो उनकी मात्रा बिल्कुल निश्चित कर दी गई है। इसलिए अब सार्वनामिक विशेषण, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखो बच्चों, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मकान, यह आदमी, वे बच्चे, ये तस्वीरें, तो ये क्या है बच्चों? ये विशेषण है। वह, यह, वे, ये क्या है? विशेषण है। अब देखो बच्चों, विशेष्य भी इसी में आता है। परिभाषा क्या है विशेष्य की? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे शब्द, देखो मैं शब्द बोल रही हूँ पहले, फिर विशेषण बोलूँगी, फिर विशेष्य। लाल फूल, लाल क्या है? विशेषण, और फूल क्या है? विशेष्य। मोटा आदमी, मोटा क्या है? विशेषण, और आदमी क्या है? विशेष्य। ऐसे ही सफ़ेद चादर,
सफ़ेद क्या है? विशेषण है। और चादर क्या है? चादर विशेष्य। भारी सामान, भारी विशेषण और सामान विशेष्य। 100 रुपये, 100 क्या है? विशेषण है और रुपये विशेष्य। तो बच्चों ये विशेषण और विशेष्य के बारे में हमने जाना। आप इतना काम अपनी कॉपी में करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।